वेलकम बैक टू थ्री पाकिस्तान। तो जी ये टाइम जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 1:40 हो चुके हैं और डेट है जी 30 मार्च। तो इस टाइम से एक घंटा पहले साहिर अली बगा की तरफ से उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड हुई जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि साहिर अली बगा बहुत ही फेमस सिंगर हैं। तो उन्होंने इस पोस्ट में राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में लिखा है कि राहत फ़तेह अली ख़ान दरिंदा सिफ्त होने के साथ साथ मुनाफिक भी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी लिखा है कि राहत फ़तेह अली ख़ान दरिंदा सिफ्त होने के साथ साथ मुनाफिक भी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि खुदा की लानत हो मुनाफिक पे। तो जिस पोस्ट के सामने आने के बाद पब्लिक बहुत ज़्यादा हैरान हो रही है और साथ में सवालात की बुछाड़ भी कर दी है कि इस सब के पीछे क्या वजह है। अगर ये बात बोली है तो उसके साथ रीज़न भी बतानी चाहिए थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहत फ़तेह अली ख़ान से साहिर अली बगा जेलस हो रहे हैं क्योंकि उनको पिछले दिनों नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद राहत फ़तेह अली ख़ान की, जैसा कि एक स्कैंडल सामने आया था नशे वाला, अभी साहिर अली बगा भी शायद उसी तरह नशे में हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि शायद साहिर अली बगा का सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम हैक हो चुका है। तो जी देखते हैं क्या रीजन सामने आती हैं, क्या वजूहात सामने आती हैं। तो जी इस सारे वाक्य से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।